नमस्कार। आज के इस वीडियो में कोर्ट के समक्ष चार्जशीट पेश होने से लेकर जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई कॉग्निजेबल यानी गंभीर प्रकृति का अपराध होता है तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति द्वारा उस संबंध में अपने निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई जाती है। उस FIR का रिजल्ट होता है चार्जशीट, यानी कि जो CRPC के सेक्शन 154 यानी 154 में जो FIR दर्ज करवाई जाती है, उस FIR के दर्ज होने के बाद उस मामले में जो IO होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उस तथ्य के मामले में जो भी सबूत जुटाता है, उन सभी सबूतों और तथ्यों के साथ कोर्ट के समक्ष 173 के क्लोज 2 के तहत एक चार्जशीट पेश करता है। जब कोर्ट के समक्ष चार्जशीट पेश की जाती है तो ऐसी दशा में जो भी कोई एक्यूज्ड उस मामले में होता है उसे उस चार्जशीट की कॉपी भी निःशुल्क प्रदान की जाती है। जैसे ही कोर्ट के समक्ष चार्जशीट पेश हो जाती है तो कोर्ट उस मामले में संज्ञान लेता है यानी कॉग्निजेंस लेता है। उसमें जो भी तथ्य पेश किए गए हैं उन तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला नहीं बन रहा तो ऐसी दशा में कोर्ट उस मामले पर कॉग्निजेंस नहीं लेता है। यानी कि जब भी कोर्ट के समक्ष कोई चार्जशीट पेश की जाती है और कोर्ट को यह लगता है कि जिस किसी अभियुक्त के संबंध में यह चार्जशीट पेश की गई है उस अभियुक्त के संबंध में यह मामला बन रहा है तो ऐसी दशा में कोर्ट उस मामले में कॉग्निजेंस ले लेता है। और जैसे ही कोर्ट उस मामले में कॉग्निजेंस लेता है और अभियुक्त कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं है तो ऐसी दशा में कोर्ट उस एक्यूज्ड को वारंट के द्वारा तलब करता है और ऐसी दशा में कोर्ट के समक्ष अभियुक्त उपस्थित होता है और उसके बाद कोर्ट द्वारा आरोप विकसित किए जाते हैं यानी चार्ज फ्रेमिंग किया जाता है। जब कोर्ट किसी अभियुक्त के संबंध में यानी किसी आरोप में कोई चार्ज फ्रेमिंग करता है तो ऐसी दशा में कोर्ट एक्यूज्ड को सुनने का अवसर देता है यानी जो चार्ज फ्रेम किया जाता है उस पर आर्ग्यूमेंट करने का अवसर देता है। कोर्ट के समक्ष ऐसा आर्ग्यूमेंट अभियुक्त के द्वारा जो वकील अपॉइंट किया जाता है वो करता है। चार्ज फ्रेमिंग में जो आर्ग्यूमेंट किया जाता है वो आर्ग्यूमेंट जो पुलिस ऑफिसर होता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसके द्वारा जो भी चार्जशीट में धाराएं लगाई गई है एक्यूज्ड के ऊपर उनके संबंध में किया जाता है। यानी कि जैसे किसी अभियुक्त के संबंध में IPC की धारा 323 325 के संबंध में कोई FIR दर्ज करवाई गई है और IO इस मामले में ये रिपोर्ट करता है चार्जशीट के माध्यम से कोर्ट के समक्ष कि इस मामले में IPC का सेक्शन 325 बन रहा है तो ऐसी दशा में अभियुक्त का वकील कोर्ट के समक्ष आर्ग्यूमेंट करते हुए ये साबित करने की कोशिश करता है कि इस मामले में जो IO के द्वारा जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो सभी धाराएं एक्यूज के मामले में प्रिवेल नहीं हो रही, लागू नहीं हो रही है। और जैसे ही कोर्ट के द्वारा चार्ज फ्रेम कर दिया जाता है इसके बाद में जो प्रोसिक्यूशन होता है वो अपने एविडेंस पेश करता है और प्रोसिक्यूशन एविडेंस पेश करने के साथ साथ अपने मामले को साबित करने का प्रयास करता है क्योंकि जब भी कोर्ट के समक्ष कोई चार्जशीट पेश होती है तो ऐसी दशा में सर्वप्रथम प्रोसिक्यूशन को उस मामले को साबित करना होता है। यदि प्रोसिक्यूशन उस मामले को साबित नहीं कर पाता है तो ऐसी दशा में आरोपी को दोष मुक्त कर दिया जाता है। जब प्रोसिक्यूशन अपने मामले को साबित करने के लिए साक्ष्य पेश करता है तो प्रोसिक्यूशन अपने मामले को साबित करने के लिए जैसे ही एविडेंस में किसी गवाह को पेश करता है तो ऐसी दशा में उस साक्ष्य की यानी गवाह की सबसे पहले मुख्य परीक्षा यानी चीफ ली जाती है। जैसे ही किसी गवाह की चीफ यानी मुख्य परीक्षा हो जाती है उसके बाद में जो भी एक्यूज्ड का जो एडवोकेट होता है उस साक्षी की यानी जो भी एविडेंस के रूप में जिस किसी गवाह को पेश किया गया है उसकी क्रोश करता है और ऐसा साक्षी मुख्य परीक्षा में जो भी साक्ष्य पेश करता है एक्यूज के वकील के द्वारा क्रोश में उन साक्ष्यों को तोड़ने के लिए यानी उस साक्ष्य को कमजोर करने के लिए क्रोश में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ही अभियुक्त के एडवोकेट द्वारा ऐसे प्रश्न पुटअप किए जाते हैं ऐसे प्रश्नों में एडवोकेट ये उलझाने का प्रयास करता है प्रोसिक्यूशन के साक्षी को ताकि उस मामले को बहुत ही कमजोर बनाया जा सके और एक्यूज्ड को उस मामले में दोष मुक्त करवाया जा सके। जैसे कि आपने मुख्य परीक्षा में ये बताया हो कि इतनी तारीख को इतनी बजे यहाँ चोरी हुई थी और उस समय मैं यहाँ मौजूद था तो आपसे जो एडवोकेट है एक्यूज्ड का वो क्रॉस में आपसे ऐसा प्रश्न पुटअप करता है कि आप इतनी तारीख को जिस समय अपराध हुआ था इस समय वहां पर क्या कर रहे थे, या फिर आपसे उस प्रश्न को घुमा के पहुंचता है कि आप जब इतनी तारीख को अपराध हुआ था तो आप उस जगह यानी किसी अन्यत्र जगह का नाम लेता है उस जगह आप क्या कर रहे थे, या फिर आप एक्यूज्ड के साथ मिले थे। और जैसे ही अभियुक्त के एडवोकेट द्वारा उस मामले में क्रोश कर ली जाती है उसके बाद उस साक्ष्य की प्रोसिक्यूशन दोबारा से मुख्य परीक्षा ले सकता है और यदि प्रोसिक्यूशन उस व्यक्ति की यानी जो भी साक्ष्य पेश किया गया उस साक्षी की दोबारा से मुख्य परीक्षा लेता है तो ऐसी दशा में अभियुक्त के एडवोकेट को भी दोबारा से क्रॉस करने का अधिकार प्राप्त है और जितने भी उस मामले में साक्षी पेश की जाते हैं सभी साक्षियों के साथ चीफ क्रॉस और री एग्जामिनेशन दोबारा से क्रॉस एग्जामिनेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है और कोर्ट में प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो भी विटनेस आते हैं उसे P1 P2 P3 के नाम से दर्शाया जाता है। और साथ में आप ये भी ध्यान रखें यदि आप किसी मामले में अभियुक्त के एडवोकेट हैं तो ऐसी दशा में आप जब क्रॉस कर रहे होते हैं तो ऐसी दशा में जो भी डॉक्यूमेंट चीफ में पेश किए जाते हैं उन सभी डॉक्यूमेंट पर एग्जीक्यूट डाला जाता है। यदि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट पेश किया गया है
जो फोटोकॉपी है, तो ऐसी दशा में उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। और जिस किसी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है, उस डॉक्यूमेंट को मामले के किसी भी प्रक्रम में काम में नहीं लिया जा सकता, यानी उस डॉक्यूमेंट को साक्ष्य के तौर पर काम में नहीं लिया जा सकता है। जब भी प्रोसिक्यूशन अपनी तरफ से एविडेंस पेश करता है, तो ऐसी दशा में जिस किसी व्यक्ति के साथ, यानी जो भी व्यक्ति आहत है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट या कोई भी जो प्रत्यक्षदर्शी जो गवाह है, उन सभी को भी साक्ष्य के तौर पर यहाँ पेश कर देता है। और यदि प्रोसिक्यूशन अपने मामले में साक्ष्य पेश करने के बाद उस मामले को साबित कर देता है कि एक्यूज ने ऐसा अपराध किया है, तो ऐसी दशा में कोर्ट आगे बढ़ते हुए एक्यूज के 313 के बयान लेता है। प्रोसिक्यूशन साक्ष्य को पेश किए जाने के बाद अपने मामले को साबित करने में असफल रहता है, तो ऐसी दशा में अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया जाता है। साथ ही आपको मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं कि जैसे ही कोई एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद कोर्ट के समक्ष को चार्जशीट पेश होती है, तो ऐसी दशा में जो भी विक्टिम होता है, यानी जो आहत व्यक्ति होता है, उसकी तरफ से गवर्नमेंट के द्वारा उसे जो वकील उपलब्ध करवाया जाता है, वो वकील उसकी तरफ से केस को लड़ता है, जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। यदि कोर्ट ने मामला बनता हुआ पाया है, तो ऐसी दशा में कोर्ट अभियुक्त के 313 के बयान लेते हैं। जब कोर्ट अभियुक्त के 313 के बयान लेते हैं, तो ऐसी दशा में कोर्ट अभियुक्त से ये पूछती है कि जो भी आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन ने विटनेस पेश किए हैं या कोई भी सबूत पेश किए हैं, क्या आप इन सभी तथ्यों के आधार पर अपने मामले को एडमिट करते हैं, स्वीकार करते हैं कि आपने ये अपराध किया है। और इसके साथ साथ कोर्ट कुछ और भी प्रश्न पुटअप करता है। जो 313 के बयान मुलजिम है, इसके संबंध में पहले से ही एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ऊपरी तौर पर आपको ये बता देता हूँ कि जो भी बयान मुलजिम लिए जाते हैं, यानी सीआरपीसी के सेक्शन 313 की प्रक्रिया को जब फॉलो किया जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया को अभियुक्त के हितों को ध्यान में रखते हुए पूरी की जाती है। यानी जो बयान मुलजिम का जो उद्देश्य होता है, वो अभियुक्त के हितार्थ कार्य करना होता है। जब कोर्ट के द्वारा अभियुक्त के बयान मुलजिम लिए जाते हैं, और ऐसी दशा में जो भी एक्यूज होता है, वो एक्यूज उस मामले में अपने जो भी उसके खिलाफ जो एविडेंस पेश किए गए, उनके आधार पर मामले को स्वीकार कर लेता है, तो ऐसी दशा में मामला उस समय ही समाप्त हो जाता है, और कोर्ट उसमें जो भी अपने विवेक के आधार पर जो तय करे, उसके आधार पर जजमेंट कर देता है। लेकिन जहां कोर्ट ने अभियुक्त से प्रश्न पूछा है कि क्या आप इस मामले में अनुविक्षा चाहते हैं, और अभियुक्त ये उत्तर देता है कि मैं इस मामले में अनुविक्षा चाहता हूं, अपनी तरफ से सबूत पेश करना चाहता हूं, तो ऐसी दशा में कोर्ट अभियुक्त को अपनी तरफ से डिफेंस पेश करने का अवसर देती है। जैसे ही कोर्ट अभियुक्त को अपनी तरफ से साक्ष्य पेश किए जाने का अवसर देती है, तो ऐसी दशा में अभियुक्त की तरफ से भी एविडेंस के रूप में गवाहों को पेश किया जाता है। जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट होते हैं, मेडिकल रिपोर्ट होती है या फिर अदर कोई डॉक्यूमेंट है, ऐसे सारे डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करवाए जाते हैं। और जैसे ही एक्यूज अपने गवाहों को पेश कर देता है, और जो भी उसे डॉक्यूमेंट पेश करने होते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट बतौर एविडेंस के रूप में पेश कर देता है, तो उसके बाद में जो भी प्रोसिक्यूशन होता है, उसके एडवोकेट द्वारा, यानी जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, उसके द्वारा इस मामले में क्रॉस की जाती है। क्रॉस करने की सारी प्रक्रिया वही होती है जो अभी पीछे हमने जानी। जब भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी मामले में क्रॉस करता है, तो ऐसी दशा में वह ये साबित करने की कोशिश करता है कि जो भी मामला हमने दर्ज करवाया, जो भी मामले में हमने कोर्ट में जो भी साक्ष्य पेश किए गए, उनके आधार पर यह मामला बन रहा है। यानी कि जो भी एक्यूज्ड के साक्षी होते हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश की जाती है। और जब कोर्ट में एक्यूज्ड की तरफ से जो भी साक्ष्य पेश करने होते हैं, वो सारे साक्ष्य पेश कर दिए जाते हैं, उसके बाद कोर्ट ये पाता है कि जो भी एक्यूज के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, वो झूठा था, तो ऐसी दशा में भी अभियुक्त को दोष मुक्त कर सकता है। और जहां कोर्ट अभियुक्त को दोष मुक्त नहीं करता है, तो ऐसी दशा में कोर्ट दोनों पक्षकारों को, यानी जो प्रोसिक्यूशन है और जो अभियुक्त पक्ष है, उन दोनों को फाइनल आर्ग्यूमेंट करने का अवसर देता है। फाइनल आर्ग्यूमेंट में जो भी सारे तथ्य आज तक पेश किए गए हैं, चार्जशीट से लेकर, वो सारे तथ्यों के ऊपर बहस की जाती है, और इसके माध्यम से पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो अपने मामले को साबित करने की कोशिश करता है, और जबकि जो अभियुक्त पक्ष है, वो अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है। जो फाइनल आर्ग्यूमेंट होता है, उसमें आज तक जो भी बयान हुए हैं, उन सारे बयानों पर चर्चा की जाती है। यानी जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके बाद से लेकर 161 के बयान हो गए, 164 के बयान हो गए, और जो भी कोर्ट के समक्ष एविडेंस के रूप में तथ्य पेश किए गए हैं, एफआईआर में जो भी चीज लिखाई गई है, उन सभी तथ्यों के ऊपर फाइनल आर्ग्यूमेंट में बहस की जाती है। और इस दौरान अभियुक्त पक्ष का वकील मामले को तोड़ने की भरसक कोशिश करता है, और फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट उस मामले में जजमेंट पारित करता है। और कोर्ट के द्वारा जो भी जजमेंट पारित किया जाता है, वो दो तरह का होता है। यानी कोर्ट उस मामले में या तो कन्विक्ट कर सकता है, यानी दोषित कर सकता है, या फिर उस मामले में एक्विटल कर सकता है, यानी दोष मुक्त कर सकता है। जब कोर्ट किसी मामले में दोष मुक्त करता है, तो ऐसी दशा में उस मामले के संबंध में जो भी प्रोसिक्यूशन होता है, वो प्रोसिक्यूशन अपील में चला जाता है। जब कोर्ट किसी अभियुक्त को दोषित कर देता है, तो ऐसी दशा में कोर्ट के द्वारा एक और प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी कि जो एक्यूज्ड होता है, उसको एक्यूज्ड को दंड के विषय, यानी पॉइंट ऑफ पनिशमेंट पे सुना जाता है। और जब भी पॉइंट ऑफ पनिशमेंट पे सुना जाता है, तो ऐसी दशा में एक्यूज्ड का वकील कोर्ट के समक्ष ये दलील पेश करता है कि अभियुक्त ऐसे कैटेगरीज से है, ऐसे परिवार से बिलोंग करता है, कि उसे यदि कोर्ट के द्वारा सजा सुना दी गई या
अधिक कारावास से दंडित किया गया, तो ऐसी दशा में उसके परिवार को काफी क्षति हो सकती है या फिर उसे परिवीक्षा के आधार पर भी छोड़ देना चाहिए। पॉइंट ऑफ पनिशमेंट के ऊपर सुनने के बाद कोर्ट उस अभियुक्त के संबंध में दंड पारित करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब भी कोई एफआईआर दर्ज होती है तो ऐसी एफआईआर दर्ज लोअर कोर्ट यानी जो भी मजिस्ट्रेट के कोर्ट होते हैं उनमें उसकी चार्जशीट पेश की जाती है। यदि कोई मामला ऐसा है जो ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है हमें, तो ऐसी दशा में लोअर कोर्ट द्वारा उस मामले को सेशन कोर्ट को कमिट कर दिया जाता है। साथ ही आप ये भी जान लें कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट व किसी मामले में ट्रायल नहीं करते हैं। किसी भी मामले में ट्रायल का काम केवल लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट को ही ट्रायल कोर्ट कहा जाता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कभी भी ट्रायल कोर्ट नहीं होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जब कोर्ट के समक्ष चार्जशीट पेश की जाती है तो उसके बाद कोर्ट के द्वारा क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ऐसे लोगों तक भी शेयर करें जिन्हें कानून की जानकारी की आवश्यकता है। धन्यवाद।